नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मेरे यहाँ हल्की सी बारिश हुई है। मौसम सुहाना तो नहीं कह सकते, पर फिर पहले से थोड़ा ठीक है। तो मैं आज एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताऊंगी। जब हम किसी टेक्निक को अपनाते हैं और वो काम करती है, तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं होती है। तो मेरे यहाँ, जैसे कि मैंने वीडियोस में बताया है, मेरे यहाँ 48.3 डिग्री टेम्परेचर भी गया है और 48 भी रहा है। 3 दिन लगातार इस तरह का टेम्परेचर बना रहा, और उसके पहले 46-47 इस तरह से फ्लक्चुएट होता रहा। तो करीब 2 हफ्ते पहले की बात है, 46-47 टेम्परेचर चल रहा था। तो हमारे यहाँ जैसे कई नर्सरी वाले प्लांट्स लेके घूमते रहते हैं, तो इस टाइम हाई टेम्परेचर में कोई नहीं आता। जैसे बरसात के टाइम आता है, या फिर जब विंटर के टाइम बेचने आते हैं, तो उस टाइम पॉसिबिलिटी रहती है कि प्लांट्स लग जाते हैं। तो ताज़े प्लांट्स खींच के निकाले हुए, और उनकी रूट्स भी डैमेज हो चुकी होती हैं, और उन्हें मिट्टी भी नहीं बंधी हुई होती है, तो बस घास में वो बांध देते हैं। और ऐसे तो इस टाइम कोई भी खरीदना पसंद नहीं करता है। तो मैं आपको प्लांट्स दिखाती हूँ, तो मैंने क्या टेक्निक अपनाई है। जैसे कि आप नर्सरी से इस तरह से बैग में जो बंधे हुए प्लांट्स होते हैं, गुट्टी मिट्टी की बंधी हुई होती है, तो अगर समर के हाई टेम्परेचर में आप केयर करें, तब भी आपके वो प्लांट्स चल सकते हैं। पर जो मैं घास फूस वाले जो होते हैं, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होती है, उन्हें चलाना जो है बहुत ही मुश्किल होता है, और कोई इस टाइम खरीदता भी नहीं है। तो मैं सिर्फ नर्सरी वाले की हेल्प करना चाहती थी, और मैंने ये मन में सोच लिया था कि मेरे प्लांट्स तो चलने हैं नहीं। और जैसी उनकी हालत थी, उनकी कीमत 10 रुपया भी नहीं थी। तो ये जैसे ये मैं दिखाती हूँ प्लांट, मैंने 3 प्लांट खरीदे, और जैसी हालत थी, बहुत ही मरी हुई हालत थी। तो किस तरह से मैंने इस हाई टेम्परेचर में बचाया उन्हें। हालांकि मेरे ये ऊपर इधर नेट लगा हुआ है, मैं दिखाती हूँ। जैसे ये नेट लगा हुआ है, पर साइड से ये देखा खुली जगह है पूरी सारी तरफ से, और इससे जो गर्म हवा आती है खूब आती है, तो इससे ज़्यादा प्लांट्स जो है बच नहीं पाते। बस ऊपर की जो सीधी धूप से बचते हैं, बाकी सूरज जब ढलता है, घूमते घूमते आता है, तो पूरे प्लांट्स पे खूब सारी जो है धूप पड़ती है। तो मैंने इसी नेट के नीचे प्लांट्स रखे हुए, तो मैंने 3 प्लांट खरीदे, और एक पे मैंने ये कवर जो बता रही हूँ, ये किसी बरदान से कम नहीं है, इस तरह का मैंने कवर कर दिया इसमें, और ये नीचे से ऐसे नंगा रहने दिया, और इसमें मॉइस्चर देती रही। तो ये देखिए, ये पत्थर दे दिए ताकि ये हवा से उड़े नहीं, हवा भी तेज। तो इतनी गर्मी में भी ये मेरे बाकी प्लांट्स को बचाना मुश्किल था। ये पता नहीं क्या नाम उसने बताया, तो ये खूब लंबा प्लांट था, मैंने यहाँ से कट कर दिया और सिर्फ इसकी 2 पत्तियाँ रहने दी, बिल्कुल मुरझाई हालत में था। तो ये घास फूस देख रहे हैं, तो मेरा मन कर रहा है मैं इसको मिट्टी से उखाड़ के बताऊं आपको, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं थी इसमें, और रूट्स भी ठीक नहीं थी। और ये देखिए, न्यू ग्रोथ इसकी हो रही है। तो इस प्लांट का उसने पता नहीं क्या नाम बताया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो बस ये इस तरह से मैंने ये इसको ढका, और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट ही रखा, और यहाँ से हवा आती रही, तो ये ग्रोथ। और एक और उसने ये बताया मुझे, रात की रानी बोला था। तो इसकी हालत देखो, प्लांट में बिल्कुल मुरझाया हुआ, ये देखो पूरा मर गया है, सारा मर गया। पर अब इसमें ये न्यू ग्रोथ आ गई है, ये देख रहे हैं आप, ये इसकी ये छोटी छोटी पत्तियाँ ये निकलना ये स्टार्ट हो गई हैं, ये इसमें ऐसे ये निकलना स्टार्ट हो गई हैं। तो इसमें भी मैंने ऐसे बैग चढ़ा दिया, और ये पत्तों से दबा के मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखा, और हवा भी इसमें ताकि आती रहे ऐसे। और अब जब तक मेरे यहाँ बरसात नहीं आती, तब तक मैं इसे ऐसे ही रखूँगी, और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखना है ताकि इसमें पानी नहीं रुके। तो ये देखा कमाल, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इसके साथ ही मैंने एक और प्लांट अशोक का ख़रीदा। तो अशोक के जो प्लांट में पत्तियाँ बहुत अच्छी थी, उसमें हार्डी प्लांट होता है, इजली चलता है। पर मैंने क्या किया कि उसमें बैग ऊपर से कवर नहीं किया, वो बिल्कुल शाम को इतनी बुरी हालत में पूरी पत्तियां मुरझा गई, और मेरा प्लांट मर गया, बिल्कुल ड्राई हो गया। और ये है, अगर हम थोड़ी सी टेक्निक दिमाग लगाएं, इस तरह की टेक्निक अपनाएं, तो वो बिल्कुल चमत्कार ही होता है हमारे लिए। तो इस तरह से बाकी प्लांट्स को जैसे बचाना बहुत ही मुश्किल काम है। नेट के नीचे भी मेरे खूब सारे, जब 48.3 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ 48 ही 3 दिन लगातार इस तरह का टेम्परेचर बना रहा, तो मेरे खूब सारे जैसे बिगोनिया मेरा मर गया,
और क्रेजुला मेरा जो इतने टाइम से मैंने बचा के रखा था, कभी एसी के रूम में रखती थी, कभी कैसे रखती थी, बदल बदल के सब अपने आप ही सारे मर गए। और भी बहुत सारे जो मेरे प्लांट्स हैं इस तरह से ख़राब हुए। और बेबी सन रोज़, वो पूरा इतना अच्छा प्लांट मेरा चल रहा था, अचानक ही ख़राब हो गया। तो अब देखो जो बाकी के प्लांट्स, अब बरसात आनी है आगे, तो मैं होप कर रही हूँ कि जल्दी से बरसात आए। और मेरे यहाँ तो जो अब दो बोरिंग थी, दूसरी बोरिंग में पानी आ रहा था, वो भी सारी सूख गई हैं, दोनों बोरिंग सूख गई हैं। और पानी जो है सप्लाई वाले पे डिपेंड, गवर्नमेंट सप्लाई जो आती है उसी पे डिपेंड रहना पड़ता है, और कभी आता है कभी नहीं भी आता है, और कभी थोड़े टाइम के लिए। तो इतने प्लांट्स को पानी देना और सब ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। तो करती हूँ, आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मैं सोच रही हूँ कि आपको ये निकाल के दिखाऊँ। इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं थी, जरा सी भी मिट्टी नहीं थी, और ताज़ा ताज़ा जैसे वो निकाल के रूट्स खींच के लाते हैं, तो वो बिल्कुल मरी जैसी हालत में थे पौधे। तो मेरा मन कर रहा है निकालने का, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको निकाल के दिखाऊं, अगर जो रूट्स बनी होंगी तो वो मेरी सारी डैमेज हो जाएंगी इस तरह से। बस बड़ा प्लांट जैसे लंबा होता है तो उसे कट कर दीजिए, ऐसे छोटा सा लगाइए। नमस्ते जी, शुक्रिया। आप भी अगर ऐसे कभी सोचते हैं हेल्प करने की, इस तरह से सोचते हैं और ये सोच लेते हैं कि आपके प्लांट्स पता नहीं ठीक रहेंगे कि नहीं, तो इस तरह की टेक्निक अपनाएं, वो बहुत ही कारगर साबित होती है बहुत हाई टेम्परेचर में भी। तो ये पानी के ये देखा छिटे छिटे पड़ रहे हैं, पर फिर भी मेरा ये प्लांट कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये बारिश से पूरा सब ये गंदा हो गया है।